हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हेलो, माय नेम इज मुस्कान अग्रवाल एंड मी अलोंग विद माय टीम टीचर्स यू ऑल फ्रॉम क्लासेस 9 टू 12 ऑल सब्जेक्ट्स। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको इजिएस्ट वे में राइमिंग स्कीम निकालना सिखाऊंगी। राइमिंग स्कीम हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पोएम की, मैं यहाँ पे ये सारे बच्चों के लिए वीडियो है, बीटेड क्लास 9, 10, 11 एंड 12। आप किसी भी पोएम की आसानी से राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। और फॉर इंस्टेंस मैं एग्जाम्पल दे के दिखा रही हूँ क्लास 10th की बुक का। आप किसी भी बुक का, अगर आपको और भी पोएम्स का राइमिंग स्कीम चाहिए वो मैं आगे अगर वीडियो में 9th 11th की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, बट मैं फिलहाल के लिए आपको राइमिंग स्कीम निकालना सिखा देती हूँ। तो मैंने एक ये पोएम ली है विच इज डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम क्लास 10th। अभी इसमें आपको मार्क करना रहता है बच्चा ए बी सी या डी, यानी कि जो साउंड आ रहे हैं उसके बेसिस पे मैंने क्या मार्क कर सकती हूँ, मैं ए बी सी या डी। ओके, ये मैं मार्क कर सकती हूँ। अब सबसे पहले फॉर इंस्टेंस बच्चे मैं आखिरी वर्ड्स को देखूंगी, यानी कि आप देखिए ये आपका पैराग्राफ है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कि ये जो आपका पैराग्राफ है इसके जो एंडिंग वर्ड्स हैं मैं वो एंडिंग वर्ड्स को देखूंगी बच्चा, और किसी चीज को नहीं, और उसके साउंड के हिसाब से मैं उसको नेमिंग कर दूंगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले है हमारा क्रो, क्रो, तो इसको मैं फॉर इंस्टेंस ले रही हूं ए। दूसरा वर्ड है हमारा लाइन में मी। अब क्रो और मी राइम हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो मी को मैं क्या ले लूंगी? बी। लेकिन अगेन इट इज स्नो। अब स्नो और क्रो राइम हो रहे हैं, स्नो क्रो एक जैसे साउंड, तो क्रो को मैंने ए माना था तो मैं स्नो को भी क्या मान लूंगी? ए। वेरी गुड। फिर है हमारा ट्री। अब आप देखेंगे ट्री और मी एक जैसा साउंड कर रहे हैं, मी ट्री, तो एक जैसा साउंड आ रहा है। मी को मैंने क्या माना था? बी, तो ट्री को भी मैं क्या मानूंगी? बी। तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी, ये हमारी फर्स्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम है। आप इस तरीके से राइमिंग स्कीम लिख सकते हो, ए बी ए बी। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा हार्ट। ना ही ये क्रो जैसा साउंड कर रहा है, ना ही ये मी जैसा, तो हम इसको क्या लेंगे? सी लेंगे। फिर है हमारा मूड। मूड भी डिफरेंट साउंड कर रहा है, हार्ट क्रो जैसा साउंड कर रहा है क्या? नहीं, मी जैसा भी साउंड नहीं कर रहा है, तो मूड को मैं क्या ले सकती हूँ? डी ले सकती हूँ। बच्चे एक चीज और, अगर आपको ये एक पैराग्राफ मिले तो आप ए भी लोगे। अगर मैं इसको डिफरेंट पैराग्राफ करके कंसिडर करूँ तो मैं इसको अगेन ए बी लूंगी, लेकिन क्योंकि मैं इसको एज अ पूरा एक पोएम डिस्कस कर रही हूँ करके मैं सी डी ली हूँ, मैं आपको ए बी भी लेके दिखा देती हूँ। हार्ट अगेन, अगर हम दूसरे पैराग्राफ की बात करें तो इसके सेंटेंस के आखिरी में क्या है? हार्ट। हार्ट को मैं अगर ए मानूं, नेक्स्ट है हमारा मूड। मूड को अगर मैं बी मानू, वैसे आपको पैराग्राफ ही देगा राइमिंग स्कीम निकालने के लिए, पूरा पोएम नहीं देगा जनरली, एंड मोस्टली किसी पोएम का पूछ सकता है राइमिंग स्कीम। एंड अगेन अगर मैं पार्ट की बात करूं, थर्ड लाइन में आप देखेंगे पार्ट लिखा हुआ है, तो पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट और पार्ट एक जैसा सुनाई दे रहा है, एक जैसा साउंड आ रहा है, तो उसमें अगेन मैं ए मार्क कर दूंगी। फिर रूइड, मूड और रूइड एक जैसा साउंड हो रहा है, मैं बी। अगेन इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी ए बी। आई होप यू आर क्लियर। अगला हमारा जो है वो है फायर एंड आइस। अगेन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं फायर, वही ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। पहले लाइन के लास्ट वर्ड को आप देखेंगे तो उसमें है फायर, इसको मैं ए मान लेती हूँ। फिर है आइस, दोनों ही डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, फायर आइस, आइस को मैं बी मान लेती हूँ। फिर डिजायर, इसको मैं क्या मान लूंगी? ए मान लूंगी, क्योंकि फायर डिजायर एक जैसा साउंड कर रहा है, अगेन फायर है तो उसको भी मैं क्या मान लूंगी? ए। तो इस पैराग्राफ का हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो गया? ए बी ए ए, इस पैराग्राफ का हमारा वो राइमिंग स्कीम हो गया विच इज ए बी ए ए। अब ट्वाइस की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं सी ले सकती हूँ। मैं इसको पूरा एज अ पोएम करके आपको दिखा देती हूँ। ट्वाइस की अगर मैं बात करूं, ना ही ये फायर जैसा है, ना ही ये आइस जैसा, ओके सॉरी सॉरी माय बैड, ये आइस जैसा है, तो ट्वाइस को मैं बी मार्क कर सकती हूँ। ट्वाइस को मैं बी मार्क कर सकती हूँ क्योंकि मैंने आइस को क्या एज्यूम किया था? बी एज्यूम किया था, तो मैं ट्वाइस को भी बी मार्क कर सकती हूँ। फिर आता है हमारा हेट। हेट देखो बच्चा, ना फायर जैसा साउंड कर रहा है ना आइस जैसा, तो हेट को मैं सी ले लेती हूँ।
फिर आइस है, आइस को मैंने क्या माना था, बी, अगेन दिस विल बी बी। फिर मैं ग्रेट को क्या ले सकती हूँ, सी, क्यों, क्योंकि मैंने हेट को सी माना था, तो ग्रेट हेट एक जैसा साउंड कर रहा है, तो ग्रेट विल बी सी। देन है हमारा सफाई, सफाई हमारा आइस जैसा साउंड कर रहा है, आइस सफाइस, तो उसको मैं क्या ले सकती हूँ, बी। तो इस पैराग्राफ का हमारा राइमिंग सिंग क्या हो गया बच्चा, बी सी बी सी बी, ये हमारा इस पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम हो गया। अगर हम पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी ए ए बी सी बी सी बी, ये हमारे पूरे इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। तो आई होप आपको राइमिंग स्कीम निकालना आ गया होगा और अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी राइमिंग स्कीम निकालने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना।